नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश विश्वा। आप लोगों ने मुझे काफी सारे रियलिटी शो में देखा होगा। बड़ी दर्दनाक स्थिति से हम लोग इसराइल से कल सुबह मुंबई पहुंचे। बहुत खतरनाक स्थिति थी, बहुत डरे हुए थे हम लोग। इंडिया आने की तैयारी कर रहे थे। सुबह 6:30 बजे जो बम का धमाके से जो हम लोग उठे, होटल का सायरन बजा और होटल के जो स्टाफ थे उन लोगों ने हमको बोला आप लोग नीचे बंकर में जाइए, बेसमेंट में। तो बेसमेंट में हम लोग जाके देखा तो सब पूरा होटल का जो जितने भी लोग रुके थे सब बंकर में थे। और बहुत दर्दनाक स्थिति थी, बहुत घबरा गए थे हम लोग। इसराइल में एश्केलोन सिटी में स्टे किए हुए थे, जो गाजा से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे ज्यादा फायरिंग एश्केलोन सिटी में ही हुई है। हमारे पूरे होटल के आसपास बहुत ही तहलका मचा हुआ था, सारी गाड़ियां जल गई, जितने घर वारे सब ब्लास्ट हो चुके थे वहां पर। वहां के ऑर्गेनाइजर से हम लोगों ने बात की फोन पे, उनको बताया ऐसे फंसे हुए हम लोग, तो उनके डेयरिंग से, उनकी बहादुरी से हम लोग वहां से निकल पाए। उन्होंने पुलिस फोर्स को हमको फोन किया तो पुलिस ने बताया कि आप लोग कौन से रास्ते से जाएं। जब हम लोग उस रास्ते से निकले, हमारे ऑर्गेनाइजर 3 गाड़ी लेके हमको लेने को आए। जब हम लोग रास्ते से निकले तो बड़े बड़े गड्ढे मिसाइल्स के हुए थे, उधर फायरिंग और ऐसे जो मजरा देखा है कि मतलब इतना घबरा गए थे। अभी भी मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना घबराहट है मेरे अंदर कि वो दिमाग से अभी तक गया नहीं। तो उन लोगों ने हमको वहां से निकाला और एयरपोर्ट हम लोग पहुंचे। एयरपोर्ट पे पहुंच के हमारा फ्लाइट जो 5 बजे शाम को उड़ने वाला था, वो रात को 12 बजे हम लोग ने टेक ऑफ लिया है। और वहां से हमारी जो फ्लाइट थी वो लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद फुल इसराइल ब्लैकआउट हो गया था। मेरा बेटा मौसम भी मेरे साथ था, तो हम लोग वहां से फिर इस्तांबुल आए। इस्तांबुल में हम लोग को फिर हमारा फ्लाइट मिस हो गया था इंडिया आने का। तो फिर उसके बाद हम लोग इस्तांबुल में 24 घंटा हॉल्ट था, तो 24 घंटा वहां थे। और वहां से फिर हम लोग कल सुबह मुंबई पहुंचे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं, यहाँ जो सुख शांति चैन अमन है, तो बस जो है वो सब यहीं पे। बड़ी दर्दनाक स्थिति से हम लोग इसराइल से कल सुबह मुंबई पहुंचे। बहुत खतरनाक स्थिति थी, बहुत डरे हुए थे हम लोग। इंडिया आने की तैयारी कर रहे थे। सुबह 6:30 बजे जो बम का धमाके से जो हम लोग उठे, होटल का सायरन बजा और होटल के जो स्टाफ थे उन लोगों ने हमको बोला आप लोग नीचे बंकर में जाइए, बेसमेंट में। तो बेसमेंट में हम लोग जाके देखा तो सब पूरा होटल का जो जितने भी लोग रुके थे सब बंकर में थे। और बहुत दर्दनाक स्थिति थी, बहुत घबरा गए थे हम लोग। इसराइल में एश्केलोन सिटी में स्टे किए हुए थे, जो गाजा से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे ज्यादा फायरिंग एश्केलोन सिटी में ही हुई है। हमारे पूरे होटल के आसपास बहुत ही तहलका मचा हुआ था, सारी गाड़ियां जल गई, जितने घर वारे सब ब्लास्ट हो चुके थे वहां पर। वहां के ऑर्गेनाइजर से हम लोगों ने बात की फोन पे, उनको बताया ऐसे फंसे हुए हम लोग, तो उनके डेयरिंग से, उनकी बहादुरी से हम लोग वहां से निकल पाए। उन्होंने पुलिस फोर्स को हमको फोन किया, तो पुलिस ने बताया कि आप लोग कौन से रास्ते से जाएं। जब हम लोग उस रास्ते से निकले, हमारे ऑर्गेनाइजर 3 गाड़ी लेके हमको लेने को आए। जब हम लोग रास्ते से निकले तो बड़े बड़े गड्ढे मिसाइल्स के हुए थे, उधर फायरिंग और ऐसे जो मजरा देखा है कि मतलब इतना घबरा गए थे। अभी भी मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना घबराहट है मेरे अंदर कि वो दिमाग से अभी तक गया नहीं। तो उन लोगों ने हमको वहां से निकाला और एयरपोर्ट हम लोग पहुंचे। एयरपोर्ट पे पहुंच के हमारा फ्लाइट जो 5 बजे शाम को उड़ने वाला था, वो रात को 12 बजे हम लोग ने टेक ऑफ लिया है। और वहां से हमारी जो फ्लाइट थी वो लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद फुल इसराइल ब्लैकआउट हो गया था। मेरा बेटा मौसम भी मेरे साथ था, तो हम लोग वहां से फिर इस्तांबुल आए। इस्तांबुल में हम लोग को फिर हमारा फ्लाइट मिस हो गया था इंडिया आने का। तो फिर उसके बाद हम लोग इस्तांबुल में 24 घंटा हॉल्ट था, तो 24 घंटा वहां थे। और वहां से फिर हम लोग कल सुबह मुंबई पहुंचे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे भारत जैसा कोई देश नहीं, यहाँ जो सुख शांति चैन अमन है, तो बस जो है वो सब यहीं पे।